जो सपना भारत ने 2 दशक पहले देखा था वो सपना पूरा हुआ। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद एयरफोर्स के बेड़े में सोमवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल हुआ। इस हेलीकॉप्टर के एयरफोर्स में शामिल होने के बाद भारत की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीली पहाड़ियों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने की ताकत रखता है। इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती है, तो वहीं एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइल भी फायर की जा सकती है। नवरात्र में अष्टमी के दिन यह एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस LCH को प्रचंड नाम दिया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्म गुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी। बता दें कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। यदि उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होती तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाक सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया एक्सपर्ट्स ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिसर में इसका निर्माण करने की चुनौती ली। सेना व एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन तैयार की गई और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। ऐसे धीरे धीरे करते हुए अब यह हेलीकॉप्टर भारतीय एयरफोर्स को मिले। अब अगर बात करें तो जोधपुर को ही इसे क्यों चुना गया, तो LCH के जोधपुर सिलेक्शन के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है पाकिस्तान बॉर्डर। दरअसल अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाची की यूनिट कश्मीर क्षेत्र में पठानकोट में तैनात है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जहाँ पे हमारी सालों की मेहनत आज इंडक्ट हो रही है और ये बहुत ही कॉम्पिटेंट अटैक मशीन है जो हमारे देश की हर टेरेन में, हर बॉर्डर में इफेक्टिवली उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। और ये आत्मनिर्भरता की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है जो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हमने बनाया है। और फ्यूचर में अगर हमें कुछ उसमें एडाप्टेशन करने पड़े, नया वेपन लगाना पड़े या नए सेंसर लगाने पड़ेंगे, वो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि IPR हमारा है। तो ये इसकी खासियत है और इसकी यूनिकनेस है। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपाचे के बराबर से अपना ये हेलीकॉप्टर है, किस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं, कितना टेक्निकली कितना साउंड है? टेक्निकली तो ये अपाचे से इट इज ग्रेटर बिकॉज इट कैन ऑपरेट एट हायर ऑल्टीट्यूड। देखो, हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो समझिए कि बॉर्डर में अगर यू कैन हैव द बेस्ट हेलीकॉप्टर बट इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई टू दैट प्लेस, तो उसकी यूटिलाइजेशन जीरो है। तो ये हमने हमारे देश की बॉर्डर्स के लिए डिजाइन करी। वहीं इस साल जून में सेना को मिले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की यूनिट को अगले साल की शुरुआत में बेंगलोर से चीन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया जाएगा। ऐसे में पश्चिमी सीमा पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी। इधर जोधपुर सबसे पुराना एयरबेस है। तय किया गया कि LCH की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात की जाएगी। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने से उसके बाद भी अपाचे और LCH दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे। पंजाब केसरी से जितेंद्र डूडी के साथ डेस्क से रौनक पारिक की रिपोर्ट।